सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोध क्या है? मैंने आपको पूर्व प्रसंगों में बताया है, आज हमको सबसे पहले बोध नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्या मेरा कर्तव्य है, कहां मुझे जाना है। जब तक बंधु यह बोध हमें नहीं होगा, न वेद पढ़ने का कोई फायदा है, न पुराण पढ़ने का फायदा है, न शास्त्र पढ़ने का फायदा है, न उपनिषद पढ़ने का फायदा है, न रामायण न गीता, न यात्रा करने का फायदा है, न दान करने का फायदा है, न दर्शन करने का फायदा है, ना अपने आप को इस मानव जन्म में पैदा करने का फायदा है। बंधु, हमारे मानव जीवन का लाभ तभी है जब आप और हम इस मानव जीवन को पाने के बाद जिस परम पिता परमात्मा ने हमको यहाँ भेजा है, हम उसको पाए। मन में यही लगन है, बस गोविंद को है पाना। रूठे चाहे जमाना, छोड़े चाहे जमाना, यह सोच जब तुम्हारे जीवन में आएगी तभी, अरे ओ दुनिया वालों, तब आपको बोध होगा। अपने आप से पूछो, आज हम आत्मचिंतन नहीं कर रहे हैं, कथा सुनने के बाद, मंदिर दर्शन करने के बाद, यात्रा करने के बाद, दान करने के बाद, पूजन करने के बाद, श्राद्ध करने के बाद, मनुष्य को यह आत्मचिंतन करना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, हमें यह नहीं पता है। हम तो देखे देखा सादे योग भीगे काया लागे रो, हम देखी देखा काम कर रहे हैं कि ये पूजा कर रहा है, इसने ऐसे घुमाया तो हम भी ऐसे घुमा दे, ऐसे क्यों घुमा रहा है, इसका लॉजिक क्या है, मंदिर वो जा रहा है हम भी जा रहे हैं। बंधु, मंदिर का अर्थ होता है मन के अंदर। आज हम मंदिर पर चर्चा करें। मंदिर का अर्थ होता है मन के अंदर। अगर मंदिर जाने के बाद आप अपने मन मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए तो मंदिर जाने का कोई फायदा नहीं है। मंदिर जाने का फायदा तभी है जब परमात्मा के समक्ष खड़े होकर के आपका भाव बाह्य मुख से अंतर मन हो जाए, और जब अंतर मन होगा तभी मंदिर जाने का फायदा होगा, तभी पूजा करने का फायदा होगा, तभी पाठ करने का फायदा होगा, तभी जाप करने का फायदा होगा, तभी आरती करने का फायदा होगा, और बंधु तभी मंदिर में दंडवत प्रणाम करने का फायदा होगा। मंदिर का अर्थ है मन के अंदर, जाने का नाम ही मंदिर है।